श्री आदि केदारनाथ और श्री आदि बद्री नारायण भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम रुक करते हैं माता मंत्रा देवी जी के दर्शन की ओर। माता मंत्रा देवी मंदिर की ओर जो रास्ता जा रहा है वो रास्ता दो तरफ से पड़ता है, पहला रास्ता सीढ़ियों की ओर से और दूसरा रास्ता हाइकिंग की ओर से। तो मैं जा रहा हूँ हाइकिंग की ओर से, जो लगभग पौने घंटे का रास्ता है। संडे के दिनों में यहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आते हैं। ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं ये शायद पानी की पाइपलाइन है जो नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर मंदिर की ओर पहुंचाई जा रही है, जिससे ऊपर पहुंचने वाले यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। लगभग 18 साल पहले जब मैं इस मंदिर की ओर आया था तो यहाँ पर जो जाने का रास्ता था वो कुछ इस तरह से था। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिल्कुल सीधी पहाड़ी की तरफ। अब ये नया रास्ता बना रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हाइकिंग करते हुए रास्ते में ये पानी की टैंकी जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनाई गई है, यहाँ पर यात्री थोड़ा विश्राम करके पानी का आनंद ले सकते हैं। एक घंटे की हाइकिंग करने के बाद मैं पहुंच गया हूं माता मंत्रा देवी के मंदिर की तरफ। पहाड़ों के ऊपर पहुंचने के बाद यहां से बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, ये जो आप नदी देख रहे हैं ये सोम नदी है। तो पंडित जी, हमें माता मंत्रा देवी जी के मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा वर्णन कीजिए ताकि हम अपने दर्शकों को कुछ मंदिर के इतिहास के बारे में बता सकें। जय माता मंत्रा देवी। ये द्वापर युग का स्थान है बहु, 5116 वर्ष हो गए इसको। यहाँ स्वयं नारायण ने समाधि लगाई, समाधि के उपरांत यहाँ सारे देवता इकट्ठे हुए। उस समय लक्ष्मी जी बेर के वृक्ष के रूप में उत्पन्न होकर नारायण को छाया प्रदान कर रही थी, तो सारे देवताओं ने मंत्र के आवाहन से मंत्रा देवी की उत्पत्ति की, जिसने नारायण के साथ उस यज्ञ को संपन्न कराया और नारायण के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके इस पर्वती चोटी पर विराजमान होने का आशीर्वाद पाया। तब से ये निरंतर यहाँ वास कर रही है। मंत्रा नाम मातृका देवी, शब्दा नाम ज्ञान रूपिणी, ज्ञाना नाम चिन्मयातीता, शून्या नाम शून्य साक्षिणी। देवी अथर्व शीर्ष में इनका वर्णन है, दुर्गा सप्तशती में देवी अथर्व शीर्ष है, उसमें इनका वृत्तांत आप देख सकते हैं। तो ये थे पंडित जी श्री मनोज कुमार जी, जिन्होंने हमें माता मंत्रा देवी जी के मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया। तो मिलते हैं किसी नई जगह और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।